क्या ऐसी सुगबुगाहटें हैं कि कुछ यात्राओं का माहौल बन रहा है, कुछ एक राजनीतिक बयानबाजियों में एक तेजी देखने को मिल रही है, क्या ऐसी सुगबुगाहटें हैं कि चुनाव विधानसभा के थोड़ा पहले हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है आपको? प्रशांत किशोर का भी एक फैक्टर है। इसको कंक्लूसिवली नहीं कह सकते हैं कि हम हो रहा है, लेकिन अब अगर हो जाए तो सरप्राइजिंग नहीं होगा। अब कितना पहले हो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत पहले हो सकता है, तो 4-6 महीने पहले प्रीपोन हो सकता है, लेकिन इसमें कैलकुलेट बीजेपी भी करेगी क्या बीजेपी को फ़ायदा है। मेरे हिसाब से अगर आप कहिए कि नीतीश कुमार को तो लॉन्ग रोप चाहिए, तो उनको तो फ़ायदा ही है और स्टेक होल्डर को फ़ायदा है। हो सकता है कि प्रशांत किशोर जो एक ग्राउंड कवर कर रहे हैं, अपना ग्राउंड बना रहे हैं, तो हो सकता है उस चीज़ को थोड़ा सा कम करने के लिए कि वो इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं हो जाए, ये हो सकता है। क्योंकि अब देखिए, एक चीज लग रहा है कि एक पार्टी की एक्टिविटी शुरू हुई, तो ये हो सकता है कि आपसी स्पर्धा भी हो कि एक अगर निकल रहा है ग्राउंड में, तेजस्वी जी निकल रहे हैं तो चिराग घूम रहे हैं, प्रशांत तो 2 साल से घूम ही रहे हैं और नई पार्टी बनाने वाले हैं, उनको भी स्टेक होल्डर के तौर पर लेता हूं। सदस्यता अभियान बीजेपी का भी चल रहा है, अब नीतीश जी भी निकलने वाले हैं कहीं घूमने के लिए, और ऐसे भी डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से लोगों से मिल रहे हैं, तो मैं यही कह सकता हूं कि कमोबेश मिला करके कि इस चीज़ से इनकार नहीं कह सकता। मैं किसी कोई सूचना के आधार पर नहीं बोल रहा हूं, एक पॉलिटिकल एनालिसिस के हिसाब से ये चीज़ें 2-4 महीने पहले अगर प्रीपोन हो जाए तो इससे इनकार, लेकिन इट इज़ टू अर्ली टू अभी हम इसको ये करें प्रेडिक्ट करें तो ये अच्छा नहीं होगा। मैं अभी ये देख रहा हूं थोड़ा सा प्रशांत किशोर इम्पैक्ट और थोड़ी सी आपसी प्रतिस्पर्धा। जी, यही सवाल आपसे, ये क्या थोड़ा चुनाव की तैयारियां राजनीतिक दलों ने पहले शुरू कर दी हैं बिहार में, या फिर पहले चुनाव होने की तैयारी है? और दूसरा, प्रशांत किशोर इफेक्ट जिसका जिक्र संतोष जी कर रहे थे, उसको थोड़ा समझाएं। 2 अक्टूबर को वो अपनी पार्टी लॉन्च करने वाले हैं, बहुत अलग किस्म के कुछ उन्होंने ऐलान पहले से कर रखे हैं, वो हर जाति समूहों के अध्यक्ष बनाएंगे, उनके वॉलंटियर्स घूम रहे हैं गांव-गांव ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। क्या इस चुनाव में प्रशांत किशोर इम्पैक्ट ऐसा है, ऐसा हो सकता है कि उसको समय कम मिले, प्रशांत किशोर को राजनीति में अपनी तैयारी करने का समय थोड़ा और कम मिले, इसलिए चुनाव पहले कराए जा सकते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर फैक्टर तो है ही, क्योंकि जिस तरह से ही गेनिंग ग्राउंड और जमीन पर जो मजबूती हो रही है जब सुराज, उससे सबसे ज्यादा चिंतित एनडीए ही है, क्योंकि एनडीए के वोट बैंक में हूँ ज्यादा सेल लगा रहे हैं। माई तो इनसे टूटेगा नहीं, वाई तो सवाल ही नहीं है टूटने का, एम में हो सकता है लेकिन वो भी हमको लगता नहीं है, अति पिछड़ा में हो सकता है, अति पिछड़ा भी माना जाता है कि नीतीश कुमार का वोट है, अपर कास्ट में बहुत होगा ऐसा लगता है मुझे, तो ये चाहेंगे कि ऐसा न हो, ये उतना मजबूत न हो पाए, क्योंकि समय देने पर तो प्रशांत किशोर मजबूत होंगे, किरण मजबूत होंगे, जितना समय दीजिएगा, जिस तरह से वो यात्रा कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों के बीच जा करके, और जो उनका नेटवर्क है पूरे बिहार भर में जाल बिछा हुआ है इनके कार्यकर्ताओं का, और कई तरह से उनको जोड़ रहे हैं, जिस तरह से आपको इवन जो प्रवासी बिहारी हैं जो दूसरे शहरों में रह रहे हैं वहाँ पर इनकी टीम काम कर रही है, विदेशों में काम कर रही है, दुबई में काम कर रही है, इंग्लैंड में काम कर रही है, अमेरिका में काम कर रही है, और जो ये जो बात ये कह रहे हैं वो कन्विंस उससे हो रहे हैं वो, कि आप इस बार आप आइएगा, अगर अगर आप आ गए इस बार दिवाली और छठ में तो लौटना नहीं पड़ेगा आपको, अब लौटना नहीं पड़ेगा, मतलब तो इस बार कहने का मतलब कि हमारी अगर सरकार बनी तो अगर आप आ जाएंगे तो लौटना, ये कन्विंस करता है, और कैसे नहीं लौटना पड़ेगा, क्या मैं करूंगा, साइंटिफिक तरीके से वो बता भी रहे हैं, प्रशांत किशोर साइंटिफिक तरीके से बता रहे हैं, तो कौन चाहता है अपना प्रदेश और घर छोड़ करके बाहर जाना। अब देखिए, उसके काट में नीतीश कुमार भी एक एजेंसी हायर किए हुए हैं और प्रवासी बिहारियों के बीच वो लोग जा ये भी शुरू कर दिया है, तो जब भी आप नवंबर में चुनाव कराएंगे, आप छठ के बाद या दिवाली छठ के बाद, तो हर कंस्टिट्यूएंसी में, विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी में 15,000 से 20,000 वोट बढ़ जाते, ये समझ लीजिए। अब देखिएगा कि जो चुनाव होता है, और जो पहला अगर 2010 का आप चुनाव देखिए, जो 5 के बाद 2010 में जो चुनाव, या 2005 का नवंबर अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव होता है, नीतीश कुमार को कितना बढ़त मिली, क्योंकि बाहर रह करके वो लोग, उस समय लॉ एंड ऑर्डर का सवाल था, बहुत सारे कारण थे, टोटल होल एंड सोल में नीतीश कुमार को वोट मिलेगा। अभी ये जो दे रहे हैं उसी तरह से अगर अक्टूबर नवंबर में चुनाव होता है
तो ये एडवांटेज प्रशांत किशोर होगा, क्योंकि अगर आई एम ऑल्सो इन टच विद द पीपल लिविंग आउटसाइड बिहार, तो वो कहते हैं कि नहीं इस बार हम लोग प्रशांत किशोर को देंगे, देखेंगे भाई ये कह रहा है तो दम तो है, जिस तरह से वो बता रहे हैं। इसको चाहेंगे नीतीश कुमार या एनडीए चाहेंगे कि ये नौबत ही नहीं आए, ऐसा हम लोग बताने ही नहीं दे, तो ये प्रीपोन कर सकते हैं। मुझे तो ज्यादा लगता है कि आपको दिल्ली के साथ ये चुनाव लगा आते बिहार में, मुझे लगता है। और आप देख लें जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, धड़ाधड़ संगठन में परिवर्तन हो गया, कार्यकारिणी में परिवर्तन हो गया, दिल्ली में भी हो गया, यहाँ भी हो रहा है। जिस तरह से नीतीश कुमार जो है एकदम यात्रा पर्यात्रा कर रहे हैं, कहा जाता है कि थोड़ा सा बीमार भी रहते हैं, सिक भी हैं, हालांकि मैं उसको नहीं मानता हूँ कि वो बीमार है, मुझे लगता है कि वो फिट हैं, भगवान करे कि फिट भी रहें, क्योंकि एक अच्छे पॉलिटिशियन है। और लेकिन जिस तरह से दौरा कर रहे हैं, जिला जिला जा रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ सक्रियता जो दिख रही है जी, हाँ सक्रियता जो दिख रही है, तो इसे लगता है मुझे कि फरवरी में दिल्ली के साथ पूरा हो। एक चीज बताइए कन्हैया जी, पटना के आसमान में उड़ने वाले पंछी कुछ उड़ करके दिल्ली आए और उन्होंने बताया कि कन्हैया जी के यहाँ जो मटन पार्टी होती है उसमें जो शरीक होता है नेता वो बड़ा आदमी बन जाता है, संजय झा जदयू के अध्यक्ष बन गए। हाल फिलहाल में प्रशांत किशोर को मटन वटन तो नहीं खिलाए हैं? ना वो अपने मटन हम लोग को खिलाए तो भाई। संतोष जी कह रहे हैं कि एक सूची दे दीजिएगा कि कौन से नेता जो है आपके यहाँ मटन खाने पहुंचते हैं। अच्छा दे देंगे हम, मैं दे दूंगा उनको सूची, ऐसा जी क्या बता, आपका सवाल क्या है? नहीं ये तो मैं आपसे विनोद कर रहा था आपसे कि क्या इस बार भाग्य तो नहीं प्रशांत किशोर का साथ देगा आपके मटन के रास्ते? नहीं, प्रशांत किशोर जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ये जो है परेशान कर रहा है एनडीए के लोगों को ज्यादा, उससे राजद ज्यादा परेशान नहीं गई, राजद का जो कोर गुट है उसमें ये सिंध नहीं लगा पा। नहीं पर प्रशांत किशोर की पिछली कुछ टिप्पणियां देखें आप, तेजस्वी यादव के बारे में उन्होंने ऐसी टिप्पणी की जिसको राजनीतिक शिष्टाचार के मुफीद नहीं माना गया, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के बेटे होकर के वो जो है 10वीं पास नहीं कर पाए, कोई अपने आर्थिक सामाजिक संघर्ष की वजह से ना पढ़ पाए तो एक अलग बात आती है। तो ऐसा है क्या आपको लग रहा है कि राजद मतलब परेशान हो या ना हो पर प्रशांत किशोर अपनी रणनीति में जो उनके सामने दो मोर्चे हैं, एक एनडीए का मोर्चा और एक राजद और कांग्रेस का मोर्चा, किसी एक पर कम सख्त हैं, किसी एक पर थोड़े नरम हैं, क्या ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, पॉलिटिकली जो फायदा माने पॉलिटिकली जो फायदेमंद होगा उनके लिए वो काम कर रहे हैं, वो जानते हैं कि हम जितना ज्यादा तेजस्वी यादव पर बोलेंगे तो मेरा वोट जो है जहाँ वो उनका ध्यान जो है इस वोट पर, उनको तो जानते हैं कि हम माई को तोड़ने का प्रयास करना पत्थर पर डूब उगाने के जैसा है, तो वहाँ कर नहीं सकते हैं। इसलिए जो अपर कास्ट हैं अभी भी मोर और लेस तेजस्वी को पसंद नहीं करते, ये मतलब लालू परिवार को पसंद नहीं करते हैं, तो एक तो वहाँ वो मजबूत होंगे, दूसरा अति पिछड़ा जो है बहुत महत्वाकांक्षा बड़ी है अति पिछड़ा की, जब नीतीश कुमार ने उनको अंखोर कहिए बना दिया लालू जालिया और भी, तो उनकी महत्व देखिए इधर जो है ये बहुत अति पिछड़ा में इनका काम हो रहा है, अति पिछड़ा को जोड़ रहे हैं जी, जानते हैं कि अपर कास्ट कहाँ जाएंगे, अपर कास्ट तो बीजेपी को छोड़ करके जब देख लेंगे कि ये इस पोजिशन में है तो उनके साथ आ जाएंगे बीजेपी को छोड़ करके। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जितना ज्यादा बोलेंगे तेजस्वी यादव पर या लालू परिवार पर, इस समय मुझे लगता है कि इनका इनको पॉलिटिकली फायदा होगा। सर ने जो क्या, मैं थोड़ा सा मैं उनसे डिफर करता हूँ। चार सेगमेंट है प्रशांत किशोर के वोट्स का, उनकी जो पूरी ट्रेजेक्टरी आप दो साल का अगर आप देखेंगे, जो उनके स्पीच को डेसिफर करते हैं आप, तो एक ओमेन कंस्टिट्यूएंसी जिनको बोलते हैं कि आपके बच्चे या आपके पति बाहर क्यों गए हुए हैं, स्टे बिहाइंड ओमेन जिसको हम कहते हैं, वो क्या कह रहे हैं कि भाई इलाज के लिए, पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, तीन कारणों से जाते हैं कि यहाँ आएंगे तो भाई हम कुछ कर सकते हैं, कुछ व्यवस्था करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप अपने घर से एक बेटी दीजिए, हम उसको YouTube और सोशल मीडिया के माध्यम से कमाने की एक ओमेन कंस्टिट्यूएंसी क्रिएट करने की अपनी तरफ से उसमें कोशिश कर रहे हैं। दूसरा वर्ग है युवक का, आप देखते हैं कि बहुत सारे ITians पढ़े लिखे लोग लड़के सब एक चूँकि अल्टरनेट पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, फ्रेश आइडियाज़ की बात कर रहा है, उनकी तरफ हुक्ड है। एक वर्ग है दलित का, तीसरा वर्ग,
उसमें आप दलित महादलित जोड़ 20% 19.65% लेटेस्ट कास्ट सर्वे के हिसाब से उस कंस्टिट्यूएंसी को भी देख रहे हैं स्प्लिट करने के लिए। और एक कंस्टिट्यूएंसी जो स्प्लिट कर रहे हैं जो MY बहुत दिन से नहीं टूटा था, मेरा सेंस है इस बार M टूटेगा प्रशांत किशोर मुस्लिम कंस्टिट्यूएंसी। आज ही में किशनगंज बड़ा स्टेटमेंट है। हाँ, किशनगंज के एक मेरे मित्र से बातचीत हो रही थी, वो 3-4 डिस्ट्रिक्ट का मुझे बता रहे थे कि ही इज क्रिएटिंग बज कि असदुद्दीन ओवैसी इफेक्ट खत्म हो गया है, क्योंकि उनको लगता है कि वो एक्सपोज हो चुके हैं, ही हैज नथिंग फ्रेश टू ऑफर। उनको लगता है कि हियर इज ए पर्सन ही इज टॉकिंग सेंस। और वो बराबर कहते हैं प्रशांत किशोर कि कब तक डर के वोट दीजिएगा, अपने रीजन के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके जॉब के लिए, यहाँ लोकल एरिया के डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए वोट कब देंगे। तो मुझे लगता है कि जिसको पॉकेट बोरो अभी तक समझ रही थी 90 के बाद से RJD या फिर समाजवादी घटक, मेनली RJD कह सकते हैं, वो मुझे लगता है कि क्रैक होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि सबसे जो ज्यादा डैमेज होगा वो मुझे लगता है कि सोशलिस्ट कैंप, उसमें RJD को मैं ज्यादा डैमेज देख रहा हूं प्रशांत किशोर। और मैं आप कहते हैं कि तेजस्वी को क्यों सिर्फ अटैक करते हैं कि पर्सनालिटी उनके अगेंस्ट में दो ही है, नीतीश कुमार आप देख रहे हैं कि उनको लगता है कि ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो ऑन हिज वे आउट हैं, उनको कितना अटैक करेंगे फैटिग हो गया, और वो तेजस्वी अटैक कर रहे हैं। BJP की तरफ से कोई क्लैरिटी ऑफ लीडरशिप नहीं, ऑफकोर्स सम्राट चौधरी लेजर पार्टी के लीडर हैं, लेकिन वो पर्सनालिटी देख रहे हैं कि भाई एक लड़का ये है, चिराग को नहीं करेंगे कि क्योंकि उनके साथ फ्रेंडशिप है और एक छोटे स्टेक होल्डर हैं स्टेट पॉलिटिक्स में। जी